सो गाइस स्वागत है आपका एक और अमेजिंग गेम प्ले में ऑफ ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी। जी हाँ, वाइस सिटी तो भाई हमने बचपन में बहुत खेली है, लेकिन आज हम खेल रहे हैं डेफिनेटिव एडिशन वाइस सिटी का। और गाइस डेफिनेटिव एडिशन में ग्राफिक्स बहुत ज्यादा इनहेंस किए गए हैं रॉकस्टार वालों की तरफ से। तो गाइस आज से मैं स्टोरी मोड शुरू कर रहा हूँ, तो इसके बैक टू बैक गेम प्ले वीडियो आने वाले हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और भाई डेफिनेटिव एडिशन जो है बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, क्योंकि काफी हद तक इन्होंने एनहांस किया रॉकस्टार वालों ने इसके ग्राफिक्स। शैडो क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव की है, और जो फेशियल टेक्सचर है उसमें भी भाई काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी। तो कैसा जाने वाला है गेम प्ले, ये तो हमें खेल के ही पता चलेगा। तो चले गाइस शुरू करते हैं गेम प्ले को। तो गाइस पहला गेम प्ले है और ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी को हम डेफिनेटिव एडिशन, जैसे कि मैं डेफिनेटिव एडिशन की बात कर रहा हूँ, तो अगर आपने नॉर्मली ये खेली होगी ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, मैंने भी खेली है बचपन में, लेकिन सिर्फ मजे के लिए खेली, उसमें हम गाड़ियां भगाते थे बस और बंदे मारते थे, इतना ही काम करते थे। लेकिन मैं आज यहाँ पे डेफिनेटिव एडिशन पूरा स्टोरी मोड में चलाऊंगा, तो यानी कि इसकी जितनी भी स्टोरी लाइन है गाइस वो हम पूरी करेंगे, ठीक है। और स्टोरी लाइन पूरी करने के लिए गाइस मैं पहले आपको एक चीज और बता दूं कि ग्राफिक्स, जहां मैंने बोला था डेफिनेटिव एडिशन में फायदा ये है कि गेम वही है, लेकिन इसके ग्राफिक्स को इतना एनहांस किया गया है कि आप देखो, रोकता हूं मैं थोड़ी सी गाड़ी, ये देखो टायर स्क्रीचिंग के यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे पूरी तरह से टायर स्क्रीचिंग, और शेडोज कलर कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा उस तरह से बढ़ा दिया गया है, नियोन लाइट है, ये सब चीजें इन्होंने थोड़ी सी एनहांस किया डेफिनेटिव एडिशन में, बाकी और कुछ नहीं है। लेकिन हम जो भी है गाइस करेंगे, अभी पार्किंग लगा देते हैं ओशियन वैली में। वॉक थ्रू द फ्रंट डोर ऑफ द ओशियन व्यू होटल टू एंटर द बिल्डिंग। अब मैं यहां से निकलता हूं, थोड़ा सा मिशन को करेंगे हम, मिशंस करेंगे गाइस, सारी की सारी जो भी स्टोरी है वो पूरी की पूरी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और बैक टू बैक जो गेम प्लेस आने वाले हैं GTA Vice City डेफिनेटिव एडिशन के, तो हम वो करेंगे भाई। मैं तो मतलब ठीक है, मेरे को मजा आ रहा है ग्राफिक्स देख के कि हाँ कुछ, क्योंकि ना अगर हम पुरानी नॉर्मली जो GTA Vice City है आज खेलता हूँ अगर मैं नॉर्मली, तो उसके ग्राफिक फटे फटे दिखेंगे, लेकिन इसमें मेरे को शेडोज थोड़ी सी अच्छी डेप्थ दिखाई गई है, ऊपर से डेप्थ फील्ड ऑफ व्यू बहुत अच्छा दिखाया गया है, और कुछ और वो है, देखो आंखें, देखो आप यहाँ पे इस पे उस टाइम पे आंखें कैसी दिख रही है, प्रॉपरली दिख रही है, लेकिन पुराने वाले में नहीं दिखती थी। तो ये सब फायदा है भाई थोड़ा सा इसका, इसकी आंखें कुछ ज्यादा ही, फेस भी थोड़ा अलग अलग सा लग रहा है अगर आप चेक करोगे पुराने वाले से कंपेयर करके, और बस हेयर स्टाइल वगैरह ये सब है, डिफरेंस है भाई। तो इधर यार थोड़ा सा लेफ्ट राइट का सीन है, अभी हम भगाएंगे, एल के पास चलते रुको, मैप सेट कर लूं भाई, मैप में एल पे जाना है मेरे को, यहाँ पे वे पॉइंट में अपना सेट करता हूँ ताकि मैं डायरेक्टली इसी जगह पे पहुँचूँ। तो मैंने वे पॉइंट सेट कर लिया, और पहुँचता हूँ मैं जरा अपने लॉयर के पास, बात करता हूँ टॉमी का जो चक्कर है इसके बारे में। ये लॉयर लग नहीं रहा वैसे मेरे को शक्ल से यार, पास्ट में ना जितनी भी बार GTA खेली है मैंने स्टोरी लाइन के लिए बिल्कुल नहीं खेली, मैंने सिर्फ एंजॉय के लिए खेली है भाई बचपन में, लेकिन इस टाइम हम फर्स्ट टाइम स्टोरी लाइन के लिए खेलने जा रहे हैं। अरे ठीक ठाक है, GTA 5 खेल ली है ना अभी काफी, मैंने मतलब ठीक है भाई उसको भी बाद में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन GTA 5 की एक बार खेली, तो अब अगर मैं पुरानी गेम्स में आता हूँ वाइस सिटी वगैरह पे, तो थोड़ा सा भाई डिफरेंस है, लगता है कि थोड़ा अजीब सा, लेकिन ये है कि इसमें क्या नया लगता है, तुम ग्राफिक्स को इम्प्रूव किया गया। ये देखो आप हाथ अभी दिखाता हूँ मैं आपको, टॉमी के हाथ को अगर आप देखना दोबारा से, अभी आएगा जब सी, इसके हाथ के रेशे भी दिखते हैं भाई, वो देखो उसके हाथ को देखो आप जरा, दिख रहा है टेक्सचर दिख रहा है हाथ पे। यहाँ पीछे एक स्कूटर रखा था गाइस, स्कूटर उठा लेता हूँ मैं, वरना किसी का अगर पंगा नहीं करना था। अभी हम पहुंचते हैं डायरेक्टली वो टेलर शॉप पे पहुंचेंगे, कपड़े सिलवाएंगे, पुलिस वालों से बिल्कुल पंगा नहीं भाई, पुलिस वाले फिर अपनी ऐसी की तैसी, पहले अभी तो गेम शुरू किया हमने, थोड़ा सा वेपन भी नहीं है ना, वेपन वगैरह आ जाते तो हम पंगे ले लेते भाई। तो फाइल्स पे आ गए अभी हम अपने लिए सूट बूट बनवाने के लिए भाई, सील दिया मस्त सूट एकदम ब्लू कलर का, पूरा नीला बना भी दिया है, काटने का मौका ही नहीं दिया उसने, रफायल ने बोला यही सूट पहन साले तू। कॉलन्स बोर्ड पे जाना है, कॉलन्स बोर्ड
मेरे को सामने बाइक पे फोकस किया तो क्या बाइक उठा लूं मैं इसकी, फंसे मैं बाइक उठा के भाग जाऊंगा इस बक साड़े। तेरी बाइक ही तो उठानी थी भाई साहब। क्रूज पे पार्टी चल रही है एकदम मत। खाली प्लेट क्यों लाई है भाई, ड्रिंक लेकर आओ। दाढ़ी वाड़ी मस्त लग रही है मेरे को टॉमी की। I understand you are here on the behalf of Mr. Rosenberg. Let me introduce you to my daughter, Mercedes. Mercedes इसकी बेटी है। ये रही। After our guest, will I attend to my necessary obligations? Karemia. Of course. Karemia इसका नौकर है। Karemia इसका नौकर है। You try living with it. एलेक्स को देखो भाई क्या कर रहा है ये बंदा। ग्राफिक्स पे इतना वो मत करना कि ग्राफिक्स इतने डब्बे डब्बे टाइप के स्क्वायरिश टाइप के हैं, लेकिन उस टाइम पे भाई यही चलते थे ठीक है। अब तो थोड़ा रियलिस्टिक, काफी रियलिस्टिक है। Was just taking my friend back into town. Another time, Ricardo. Ricardo, let's go. Let's get out of here. Sure. Actually, take friend is back in town and he is going to smash everyone, guys. लैम्बोर्गिनी मेरे सामने ये बोल ली है। अरे यार पूरा दोबारा बोला करो ना। बैठते हैं चलो, बैठ जा भाई, बैठ जा बंदी। Will you be working for my father? Maybe. You mind me resting my hand in your lap? बिल्कुल, अभी मैंने ठोकी थी गाइस। मेरे ख्याल से लिमोजिन ना उठाए हम। लिमोजिन उठा सकते हैं क्या गाइस? यस, हम ये भी उठा सकते हैं, क्यों ना लिमोजिन ही से ही चले, लंबो तो बहुत चलाएंगे। गाड़ी बड़ी है ना भाई, किसी को चलाते हैं थोड़ा सा कशन में चलेंगे। ड्राइवर बन के लग रहा है, ऐसे ड्राइवर जा रहा होगा कोई इसका। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं इस एरिया से निकलता हूँ जहाँ हमें बुलाया जा रहा है। हम डायरेक्टली वहीं पहुंचते हैं, इधर लगा लेते हैं। गुंडे है भाई हम, यहाँ आना था। तब ने बंदी को कर दिया ड्रॉप, मटक मटक के चल गई। क्या यार, $100 कमा लिया हमने बैठे बैठे, क्योंकि ये ओपन वर्ल्ड गेम है तो हमें इसमें खुद ही मिशन चुनने पड़ेंगे बीच बीच में, कि मैं किसका मिशन करना चाहता हूँ। मैं अपने लॉयर का मिशन करना चाहता हूँ या इसका मिशन करना चाहता हूँ, ये मर्सिडीज वाला, ऐसे ऐसे कई आते रहेंगे बीच बीच में, तो मेरे को खुद ही मिशन सिलेक्ट करने पड़ेंगे गाइस। फिलहाल मैं अभी लॉयर के पास चलता हूँ, देखता हूँ वहाँ पे मुझे मतलब क्या सलाह देता है वो, कि क्या करना चाहिए। What did you find out? That there are more criminals in this town than in prison. डायलॉग बाजी अच्छी मारी है कि भाई इस टाउन में प्रिजन से ज्यादा क्रिमिनल है। नया नया बंदा आया यार। Who's by the name of Kent Paul? Anyway, he's got his nose so far up most of Vice City's ass. मैलेबू में है वो बंदा, तो अभी मैं उसके पास जाता हूँ, एक बार मिल के आता हूँ उस बंदे से। ओ कितनी फास्ट चल रही है भाई। ओ भाई क्या हो गया, FPS में क्या हो गया? अब बड़ी फास्ट चल रही थी, FPS हिल गए थे क्या इसके? ज्यादा ही फास्ट चल गया इस कार। चक गई साली, नंबर प्लेट हिल गई है पूरी। ये रहा मैलिबू क्लब पहुंच गए हैं, अब फटाफट उस बंदे से मिलके आते हैं, कैंट पॉल से। Where'd you pop up from? I've been looking for a bird like you for ages, mate. You know what I am? Looking for some English guy. Kent Paul, listen to me. अब क्या स्पाइकी बाल कर रखे हैं इसने, साड़ा चरस खोर, राम खोर भी नहीं बोल सकते, चरस खोर है यार। इसको ड्रग्स चाहिए, इसको स्ट्रिप क्लब में आना है भाई, क्या बंदा है ये। भाई एक बार धमका दिया अभी हमने कैंट पॉल को, अगली बार ध्यान रखिएगा ये हमें, अगली बार इसको पेलेंगे यार कभी। कैंट पॉल को धमका तो दिया अभी। अभी फाइंड शेफ ऑन दी ओशन ड्राइव, गो एंड फाइंड दी शेफ ऑन दी ओशन ड्राइव। ओशन ड्राइव कहाँ है? मेरे को कोई गाड़ी दे दिया ग्रो यार, जब भी मैं कहीं से विजिट करके निकलूँ ना, मैं टूटी गाड़ी में जाऊँगा तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। न्यू कार ढूंढता हूँ अपने लिए कोई अच्छी सी गाइस।
मर गई क्या? ये देखना भाई, इसको इसको पिछवाड़े में मारूंगा। ये रहा शेफ, ये रहा बोल बे। अबे भाई शेफ पंगे ले रहा है भाई, कढ़ाई पनीर मांगी बंदा पंगे ले रहा है। बक साड़े सेल फोन मिल गया अभी हमें शेफ का, अब हम ऑर्डर देंगे। Oh, way to go, tough guy. भाई ये कहां से आ गया? विल स्मिथ कहां से आ गया यार? You want some too? We need to watch each other's back. उसकी मैं तो ऐसी की तैसी पहलू सारे। ओ भाई बहुत सारे शेफ्स आ गए हैं, ये साले सारे के सारे मिलके मारेंगे। बंदूक दे दिया उसने मेरे को, इसने मेरे को बंदूक दे दिया, बोला एम करो, मार दूं इनको, पेट पे मारता हूं गाइस। कैसे भाग रहे हैं भग साड़ो? ओ भाई मेरे पे केस दर्ज हो गया है कहीं कहीं पे ना गाइस। एक चीज मैंने देखी जहां पे थोड़े ज्यादा लोग या टेक्सचर्स ऐसे थोड़े ज्यादा आ गए हैं आ रहे हैं, वहां पे जाके ना FPS डाउन हो रहे हैं थोड़ा, वरना 60 FPS चल रही है, कभी कभी फास्ट हो जाती है, 90 FPS भाग रही है, लेकिन कुछ जगह पे 30 FPS 24.4 FPS ऐसी ऐसी चीजें हो रही है। ठीक है थोड़ा सा तो है फर्क है, अल्ट्रा पे चला रहा हूँ जबकि अभी मैं तो। भैया अभी बारिश हो रही है और एक स्विम सूट पहन के यहाँ कहाँ नाच रही है ये, किसी की लड़ाई हो गई, ये मोटा लड़ाई कर रहा है शायद, फिसल गया ये, क्या हो क्या रहा है, बंदे फिसल रहे हैं भाई, एक दूसरे को मार रहे हैं यहाँ, यहाँ कुश्ती हो गई है भाई, ये आपस में ही लड़ रहे हैं सब लोग यहाँ। ये बंदे ने गलत काम किया, इसको मैं मारना चाहूंगा, बदला लूंगा भाई, मैं हूँ हीरो, मैं बचाऊंगा लोगों को, इसने गलत काम किया, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ले साले, ले औरत भी गई, ये साला उछल के मारा साड़ा, गोली भी पेल दू क्या, रहन दे यार भाई, बारिश हो रही है अभी, हमें गाड़ी चाहिए पहले तो, आप गाड़ी दो पहले मेरे को, बस साड़े ये साड़ो चूतियों, बच गए दोनों के दोनों, फिर भी बच गए भाई, पुलिस वाला आ गया था, इसके सामने मैं कुछ गलत करता तो दिक्कत हो जाती मुझे। मेरे को चाहिए अच्छी गाड़ी, हट साड़े हट, जाम लग गया था यार, से स्कूटर लेना पड़ा मेरे को। I understand. Help the jury change their minds. Don't worry about it. No! I tried that. The jury case didn't go so well. So make them change their minds. Jury ka mind aise nahi badal sakta. Hame badalwana padega khauf se guys. Darana padega hame bilkul. Chalo iski madad karte hain thodi si. Actually iski madad karenge wo obviously apni hi madad hai. Abhi ye le, ye kya baat hui be? Ye kya baat hui? Aaya maar ke bhag gaya. Stop people taking baseball bats and pounding the living crap out of each other, as I saw in a mother's PTA group meeting recently. Baseball is our national sport, our national pastime. Joining together as men in order to reward the act of running around in a circle. I will thank you not to take its name in vain, Chavez. इसको धमकाना है, इसके लिए मैं इसको पहले एक मुक्का मारूंगा, ये भागेगा गड्ढे में, ठोक दिया, अब मैं इसको डराऊंगा, फिर पुलिस वाला ना आ जाए। Hey man, my car. Leave my damn car alone, man. साले अब तू गया, पुलिस वाला आ रहा है गाइस, अभी मैं थोड़ा सा नॉर्मल हो जाता हूँ, पुलिस वाला आ रहा है, इसके सामने नहीं कर सकते, पुलिस वाले को जान देता हूँ, पुलिस वाले को ही बेल दूं, बंदूक तो निकल गई है, इसकी ऐसी तैसी। Yo, man, I still got payments to make on this.
साढ़े अब तू चला गाड़ी। oh, please, God. Someone help me. तेरी कोई हेल्प नहीं करने आएगा चूतिए, भाग गया चूतिए का पट्टा। अब कोई हेल्प नहीं करने वाला आता इसकी। आ इतनी बुरी तरह से फाड़ी है इसकी भाई। ये गाड़ी लेनी पड़ेगी, स्मैश करना है जुरर की कार को, इसको भी डराना पड़ेगा थोड़े से तोड़ के। हाँ ले जाने की सोच रहा था पर डराने वाला काम अलग है, ताकि इसकी इनकी सबकी ऐसी की तैसी हो जानी चाहिए सारे जुरर की। अगली बार हमारा केस ढंग से होगा। फाड़ दी पूरी, धमका दिया अच्छी तरह से, भगा दिया इस जुरर को भी। कैसे भागा है, $400 और कमा लिया है। तो गाइस आज के लिए इतना है। तो गाइस ये था पहला गेम प्ले ग्रैंड थेफ्ट ऑटो वाइस सिटी डेफिनेटिव एडिशन का। कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना, और बैक टू बैक इसके वीडियोस तो मैं अपलोड करने ही वाला हूँ, क्योंकि गेम हमने शुरू किया तो भाई खत्म भी करनी ही पड़ेगी। और गाइस चैनल को करो यार सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, क्योंकि और भी गेम प्ले वीडियोस मैं इस चैनल पे डालता रहता हूं, उन सबसे भी स्टे ट्यून्ड रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद।